हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरीडे विद रिचा। दिस इज ऑल अबाउट डीआईवाई डेकोर एंड गार्डनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। ये सुबह की जो भीनी भीनी सी धूप होती है, ये पौधों को बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए सब कितने अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, खिले हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपका गार्डन भी ऐसा हरा भरा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो लास्ट वीडियो से कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया था हम लास्ट वीकेंड बाहर गए थे और मैं एक छोटी सी नर्सरी में गई थी। वहाँ से मैं क्या लेकर आई हूँ, कौन से पौधे लाई हूँ, किस रेट में लाई हूँ और उसके साथ मैंने क्या कुछ अपने गार्डन के लिए नया ख़रीदा है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं जो मैं मिस कर रही हूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहे तो हम बहुत लंबे साथ चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एवरीडे विद रिचा। अब हम हफ्ते में दो बार मिलते हैं, मंडे और थर्सडे रात को 8 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से कैना लिली के ब्लूम में। देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है ये ब्लूम इसमें, इस ग्रीनरी के बीच में। खिले फिलहाल शायद दो ही फ्लावर हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने छोटे से नर्सरी प्लांट हॉल के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा इस बार का प्लांट हॉल। हम वीकेंड पे बाहर गए थे तो ये छोटा सा एक नर्सरी दिखी और उसमें से ये प्लांट्स खरीदे। आज मैं शेयर करती हूँ। ये शायद मेरा पहला प्लांट हॉल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मेरे को क्या क्या आज कुछ नया मिला। सबसे पहले तो मैं हैंगिंग बास्केट्स की बात करती हूँ। ये हैंगिंग बास्केट्स ली हैं मैंने, क्योंकि मैंने जैसा आपको दिखाया, जो अभी मेरी नई ग्रीन नेट बनी है उस पर काफ़ी सारे हुक्स लगवाए थे मैंने, ताकि मैं हैंगिंग बास्केट उस पर हैंग कर सकूँ। तो ये हैंगिंग बास्केट हैं, ये 18 हैंगिंग बास्केट्स हैं और दो कलर में अवेलेबल हैं। मैं इसको किस तरह स्टाइल करूंगी ये भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी। हैंगिंग बास्केट में कौन से हम प्लांट्स लगाते हैं, उनकी किस तरह केयर करते हैं, ये सारी मैं आपके साथ डिटेल एक अलग वीडियो में शेयर करूंगी। उसके बाद एक ये खूबसूरत सा बर्ड नेस्ट, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, पर ये बहुत सुंदर था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा अपने गार्डन में लगाने के लिए, तो ये मैं ले आई। ये मुझे 100 रुपीज़ का मिला है और बहुत ही सुंदर लगा, मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई इसे लेने के लिए। और जो ये प्लांट्स पॉट हैं, ये मुझे 70 रुपीज़ ईच मिले हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं अब प्लांट्स के। सबसे पहले ये देखिए चांदनी का पौधा, बहुत सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे अच्छे इसमें इसी तरह के फ्लावर ये बंच में हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। ये मुझे मिला है 30 रुपीज़ का, एक प्लांट है ये 30 रुपीज़ का है और ये बहुत अच्छा देखिए लग रहा है मुझे। जब ये पूरा अच्छे से ऐसे शेप ले लेगा और इस पर फ्लावर खिलेंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये पहला प्लांट जो मुझे मैंने लिया, ये 30 रुपीज़ का है। ये है फ्रेंड्स एरोकेरिया, इसे क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। ये मेरे पास पहले भी था, लेकिन जैसे मैं बाहर चली जाती हूँ वेकेशन पे, तो पीछे से जो लोग वाटरिंग करते हैं उनकी उनको इतना पता नहीं होता, तो उसकी वजह से वो मेरा प्लांट ख़राब हो गया था। तो ये मैंने नया प्लांट लिया है और ये मुझे मिला है शायद 120 का या 150 का, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लमसम रेट यही है इसका, इसी रेट में मिला है ये मुझे। उसके बाद एक ये नया पौधा है, इसके बारे में मैं नहीं जानती थी। ये हैंगिंग प्लांट के लिए उसने मुझे दिया, हैंगिंग बास्केट के लिए। इसे बढ़ेलिया वो बोल रहा था नर्सरी वाला, और इसमें कह रहा था छोटे छोटे येलो फ्लावर हैं। मैं ले आई हूँ, अब मैं इसे लगाऊंगी, देखते हैं कैसा ग्रो करता है, ये क्या होता है, इसकी अपडेट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद जो मेन प्लांट मैं लेने गई थी नर्सरी में, वो है ये कैलीथिया। लेने तो मैं इसकी दूसरी वेराइटी गई थी, लेकिन ये मुझे रेड कलर में मिला, मुझे ये ग्रीन कलर में भी चाहिए, जिसमें देखिए इसकी लीव्स पे कितना सुंदर पैटर्न है। देखिए अगर आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है ये कैलीथिया।
रोज ऑप्टिकल डिमोई प्लांट है इसका, और जो मुझे लेना था वो ग्रीन कलर का था। जब मुझे कभी वो मिलेगा तो मैं वो भी ज़रूर लूँगी। ये दोनों अगर एक साथ रखें तो बहुत ही सुंदर कलर स्प्रेड करता है। ये कलर भी अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा यूनिक सा कलर है, अलग सा, तो इसे भी मैं अब अपने गार्डन में ऐड करूँगी। और एक और मुझे प्लांट दिख गया तो वो ये है वेरीगेटेड रबड़ प्लांट। मेरे पास नॉर्मल रबड़ प्लांट है, मैंने आपको दिखाया है, ये वेरीगेटेड है। इसके लीव्स का पैटर्न आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है इस पर, ये लीव्स का पैटर्न। तो ये वेरीगेटेड वेराइटी है और ये मुझे मिला है 100 रुपीज़ का, और ये कैलीथिया मुझे मिला है 200 का। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर लगा, लेकिन जब कोई प्लांट पसंद आ जाता है तो एक गार्डनर ही समझ पाता है कि उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये थोड़ा सा भी गंदा है, इसे साफ करके मैं फिर आपको शो करूँगी ये किस तरह लगता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद ये है रेड सिंगोनियम। ऐसे मेरे पास रेड सिंगोनियम है लेकिन वो उसके लीव्स छोटे हैं, ये थोड़ी इसकी लीव्स बड़ी थी तो इसलिए मैंने ये परचेज़ किया, मुझे ये अच्छा लगा। ये मुझे मिला है 50 रुपीज़ का रेड सिंगोनियम, बहुत सुंदर लगा मुझे ये। उसके बाद ये है फिर पारिजात, ये एक अलग है, ये एक्जोरा है। मेरा एक्जोरा पहले ख़राब हो गया था फ्रॉस्ट में, अब की बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे बचा पाऊँ। और थोड़ा सा इसका विंटर्स में केयर मांगते हैं कुछ प्लांट्स, धीरे धीरे मैं भी सीख रही हूँ। मैंने आपको बताया कि मुझे शौक है तो मैं धीरे धीरे, मुझे भी अभी एग्जैक्टली सब नहीं पता लेकिन जितना पता है उतना बिल्कुल सही और सटीक पता है, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और अभी ये एक्जोरा मैं लेकर आई हूँ दोबारा से, और ये मुझे मिला है 80 रुपीज़ का प्लांट मिला है, और वो है ये पारिजात। ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, मेरे पास थे नहीं, ये 40 रुपीज़ ईच में मिले हैं। तो ये था फ्रेंड्स मेरा एक छोटा सा प्लांट हॉल जो इस बार मैंने लिए हैं प्लांट्स। ऐसे तो प्लांट्स बहुत हैं लेकिन फिर भी हमेशा ये लगता है कि नहीं, गार्डन में कुछ नया ऐड होना चाहिए। देखिए मेरे पास ये एक रेड सिंगोनियम ये है लेकिन ये छोटा है। अब वो जो इस बार मैं लाई हूँ वो थोड़ा सा उसके लीव्स बड़े हैं तो वो मुझे अच्छा लगा, मेरा मन नहीं करा उसे छोड़ने का। और मेरे पास ये नॉर्मल सिंगोनियम भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा प्लांट शॉपिंग हॉल। ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए। मुझे अच्छा लगता है जान के आप लोगों के व्यूज़ के बारे में, या आप कुछ और जानना चाहते हैं किसी प्लांट के बारे में या किसी और चीज़ की केयर के बारे में प्लांट के रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।